अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 जो है डिस्कस करेंगे, और चैप्टर नंबर 7 का पहला टॉपिक है हमारा वर्क। तो सबसे पहले हम वर्क को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ वर्क? तो हम कहते हैं जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, और फोर्स अप्लाई करने से अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आएगा तो हम कहेंगे वर्क हुआ है। यानी जब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा तो हम कहेंगे वर्क हुआ है। सो व्हाट इज वर्क? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज सेड टू बी डन। फिर हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। मैथमेटिक्स में हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इसको हम एक ऐसे लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा। और ये जो थीटा है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो थीटा एक एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अच्छा, अब यहाँ से हम कहते हैं कि वर्क जो है वो एक किस्म की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ डॉट प्रोडक्ट से बनती है वो हमेशा स्केलर होती है। तो इसलिए हम लिखेंगे इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स की बात हम ऐसे कर सकते हैं, दी एसआई यूनिट, दी एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जोल। वर्क का जो एसआई यूनिट है वो जोल होता है। जोल कितना वर्क हो सकता है? अगर आप एक जोल को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे कि जब हम किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और उस बॉडी में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहेंगे बॉडी ने जो वर्क किया है वो 1 जूल किया है। सो व्हेन 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन बॉडी इन इट्स डायरेक्शन, देन वर्क इज 1 जूल। अगर आप अदर यूनिट्स की बात करेंगे, अदर यूनिट्स ऑफ वर्क, तो वर्क के दूसरे यूनिट्स हैं, जैसे एक यूनिट है हमारे पास BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 BTU बराबर होता है 1055 जूल के। इस तरीके से एक और यूनिट है, जैसे CGS में है अर्ग, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10^-7 जूल। इस तरीके से एक यूनिट है कैलोरी, या कैलोरी जो है 4.108 या 4.18 जूल के बराबर है। इस तरीके से एक यूनिट और है किलोवाट आर भी वर्क का यूनिट है, और 1 किलोवाट आर 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होता है। इस तरीके से एक और यूनिट है, और इस यूनिट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 × 10^-19 जूल के बराबर है, और ये सिमालेस्ट यूनिट है, सिमालेस्ट
यूनिट ऑफ वर्क। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। अब हम बात करेंगे कि हमारा वर्क नेगेटिव कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वर्क डन इज पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। सो व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो इस केस में वर्क जो है आपका पॉजिटिव होगा, या हम कहेंगे जब थीटा हमारा इक्वल टू जीरो डिग्री होगा। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो इसका एक एग्जांपल है कि सपोज करें ये मार्कर है मेरे हाथ में, अगर मैं इस मार्कर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ग्राउंड से अगर ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा इस मार्कर को ऊपर लेके जाने के लिए, हम कहेंगे वो वर्क पॉजिटिव होगा। यानी सपोज करें ये ग्राउंड था, ये ब्लॉक हमने ग्राउंड से उठाया और हम इस ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये आप देखेंगे इस पे, यानी हमने एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया है वो अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी है अपवर्ड आ रहा है, तो इस केस में वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वाइल लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जाम्पल है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। अब देखें, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पॉजिटिव वर्क करता है, क्योंकि ये डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है और ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है। सो हम कहेंगे व्हेन अ बॉडी मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स The work done by gravitational force is positive. ठीक है, इस तरीके से हम एक और वर्क की बात करेंगे। अब देखें, ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग के साथ ये मास अटैच है। अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे आ रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारा फोर्स जो है होगा ये पॉजिटिव वर्क करेगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वाइल स्ट्रेचिंग स्प्रिंग मास सिस्टम। तो ये जो तीनों मैंने एग्जांपल दिए ये आपको पॉजिटिव वर्क के दिए। अब हम बात करेंगे वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव वर्क कब होगा? तो नेगेटिव वर्क तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन अपोजिट होंगे। व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जब थीटा जो है 180 डिग्री होगा। अब अगर हम इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है नंबर वन, अगर आप यहाँ देखें, अगर हम इस बॉडी को ऊपर लेके जा रहे थे, तो अगर हम सेम बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे वो नीचे होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और हम इस बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री होगी,
तो हम कहेंगे कि जब किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड लेके जाते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नेगेटिव होता है. द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन बॉडी इज बीइंग लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन बॉडी इज बीइंग लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड. इसका दूसरा एग्जाम्पल है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, क्योंकि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है. अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो यह डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे होगा. तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं. तो ये जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये नेगेटिव वर्क के होंगे. अब हम बात करेंगे नंबर 3, वर्क डन इज ज़ीरो. तो वर्क डन ज़ीरो दो हिसाब से होगा. एक हम कहेंगे कि जब थीटा 90 डिग्री होगी, यानी व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगी. इसका एक एग्जांपल है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ज़ीरो वर्क करता है. आपको पता है जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होती है. तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगी तो वर्क डन ज़ीरो होगा. इस तरीके से आपने इंटर में पढ़ा होगा, इंटर में आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स. वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड. जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड थी, या आप इंटर में पढ़ेंगे, जब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज इंटर होती है तो वो चार्ज एक किस्म का फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और वो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाता है. तो हम कहते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री होती है, इसीलिए यहाँ पे भी वर्क डन ज़ीरो होगा. और दूसरा केस होता है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो. कभी कभी ऐसे होता है कि बॉडी पे फोर्स अप्लाई हम करते हैं पर बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आता. जैसे अगर देखें, मैं इस हाथ में ये मार्कर मैंने होल्ड की है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इस मार्कर को होल्ड कर रहा हूं और इस पे मैं कितना वर्क कर रहा हूं, तो आप कहेंगे आप ज़ीरो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैं फोर्स मार्कर पे लगा रहा हूं पर मार्कर में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा. सो एक इसका एग्जाम्पल है वर्क डन बाय अ मैन व्हाइल होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट. तो ये एग्जाम्पल हैं ज़ीरो वर्क के. तो इस तरीके से हमने सारी बातें डिस्कस कर ली कि हमारा वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब ज़ीरो होगा, वर्क क्या होता है, वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं. तो ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी है. एक बात और भी हमें डिस्कस करनी है, और वो बात ये है, यहाँ पे हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की. वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यानी वर्क की एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है. देखें, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और जब हम उस बॉडी पे, सपोज करें ये बॉडी रेस्ट में थी, इस बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी इस बॉडी को एक्सेलरेशन मिलेगी और एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी मिलेगी. तो फिर इस केस में हम कहेंगे कि भाई इस बॉडी ने कितना वर्क किया, तो हम कहते हैं वर्क वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी.
वर्क टन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी उतना वर्क होगा। अब देखें, अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है, इस केस में वर्क हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पर अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो हमारा वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे अगर देखें, सपोज करें ये गाड़ी मूव कर रही थी, ठीक है, और मैंने अचानक से ब्रेक लगाए तो गाड़ी रुक जाएगी। तो इस केस में इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम कहेंगे इस बॉडी पे नेगेटिव वर्क हुआ है, क्योंकि जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ज़ीरो वर्क जो है वो परफॉर्म करता है। तो ये बातें हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे, आप थोड़ा सा इनको नोट करें। इस तरीके से हम एक काम की बात करेंगे, और काम की बात है कि हम डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। कंजर्वेटिव फील्ड, तो व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? तो हम कहते हैं ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो और वर्क डन जो है वो अपना क्लोज लूप में जीरो हो। तो कंजर्वेटिव फील्ड की दो बातें हैं, अ फील्ड इन विच, अ फील्ड इन विच वर्क डन इन क्लोज लूप इज जीरो एंड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। दो बातें समझनी है, वर्क डन क्लोज लूप में जीरो होना चाहिए और वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए। सबसे पहले ही एक बात समझते हैं, ये समझें एक क्लोज लूप है, और अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, ये समझें हाइट है h। तो अगर हम a से शुरू होंगे b तक, फिर b से शुरू होंगे c तक, फिर c से शुरू होंगे a तक, यानी जब हम वर्क डन बात करेंगे a से b, b से c, फिर c से a, तो ये वर्क डन ज़ीरो होगा। कैसे ज़ीरो होगा? a से b जो वर्क होगा वो होगा mgh, नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा। फिर बी से सी वर्क डन प्लस एमजीएच होगा, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, और सी से ए बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी तो वर्क डन में, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो अगर आप ये सम करेंगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। इस तरीके से अगर आप, ठीक है, पाथ की बात करेंगे, सपोज करें एक पाथ आप ये ले रहे हैं, दूसरा पाथ आप ये ले रहे हैं, तीसरा पाथ आप ये ले रहे हैं, पाथ नंबर वन, पाथ नंबर टू, पाथ नंबर थ्री। सो तीनों पाथ में ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसा वर्क करेगा, इसलिए हम कहेंगे कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी हैं? नंबर वन, एक है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है। दूसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कंजर्वेटिव है। और तीसरी है मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों फील्ड हैं जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं। इसी तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे तो एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक होगा आपका इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। और ठीक है, तो ये जो तीन फोर्सेस के मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। ये नॉन कंजर्वेटिव इसलिए है क्योंकि आप अगर डिस्कस करेंगे कि ये नॉन कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि इसका वर्क डन क्लोज लूप में ज़ीरो नहीं होगा और इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, तो हम उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो अब आप ये नोट कर लें तो फिर हम इन पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं।
अच्छा, अब हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट से MCQs हैं। द वर्क डन इज गिवन बाय, जैसे आपको पता है वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, तो वर्क किसकी प्रोडक्ट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका ऑप्शन डी होगा। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क के एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करें। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वाई लिफ्टिंग अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड, ये पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब बॉडी नीचे आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, ये भी सही है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो वर्क करेगा, इसलिए वन एंड टू होगा, तो ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ वर्क, इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो वर्क का नहीं है, तो जोल वर्क का है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, BTU, किलोवाट। किलोवाट अगर लिखा होगा तो वो पावर का यूनिट होगा, पर अगर किलोवाट आर लिखा होता तो हम करते, पर ये किलोवाट जो है ये पावर का यूनिट है, ये वर्क का यूनिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है वर्क का, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, वर्क डन इज जीरो, तो हमेशा जीरो नहीं होता। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये ठीक है। वर्क डन इन क्लोज लूप इज जीरो, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन टू एंड थ्री होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द वर्क डन, बिल्कुल आसान है। FD, फोर्स आपने अप्लाई किया 110, डिस्प्लेसमेंट आया 20, तो ये होगा 200 जोल, इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 5 किलोग्राम ब्लॉक एट रेस्ट फॉर 4 सेकंड्स, फाइंड द वर्क डन। अब देखें, अब यहाँ पे आपको फोर्स दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, फोर्स अपॉन मास, 10 डिवाइडेड बाय 5 2। डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा, रेस्ट में से स्टार्ट होती है तो 1 अपॉन 280 स्क्वायर। डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 4 है, तो ये 2 2 से कैंसिल, ये 16 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फोर्स मिल गया, और वर्क कैसे मिलेगा, FD से। फोर्स 10 है, डिस्प्लेसमेंट है 16 है, तो ये 160 जोल हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे लिख लें, या इसको ही कर दें 160, तो ये इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अ कार हैविंग मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो वर्क करता है, बाकी ये डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। अ कार हैविंग मास 1000 किलोग्राम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स 10 मीटर इन 2 सेकंड्स, फाइंड द वर्क डन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है पर फोर्स नहीं दिया गया, तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन के बाद आप फोर्स निकालेंगे। तो रेस्ट में से स्टार्ट हुआ तो आप इक्वेशन लगाएंगे 1 अपॉन 280 स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट 10 है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, टाइम कितना है 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा ए, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5। एक्सेलरेशन 5 मिल गई, फोर्स कैसे मिलता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5000 हो जाएगा। और वर्क कैसे मिलेगा, एफ इंटू डी, तो फोर्स है 5000, डिस्प्लेसमेंट है 10, तो ये 50000 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी। इस तरीके से एक क्वेश्चन है, अ मैन लिफ्ट्स 20 किलोग्राम बॉक्स फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट ऑफ 5 मीटर इन 4 सेकंड,
फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो MGH होता है, पर आप देखें बाटी ऊपर जा रही है, जब बाटी ऊपर जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करता है। मास है 20, जी का वैल्यू है 10, हाइट है 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 होगा, 200 को 5 से करेंगे 1000 पर नेगेटिव का होगा। इसी तरीके से अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे वर्क डन बाय मैन तो वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो पॉजिटिव वर्क करेगा। पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इस वजह से ये नेगेटिव होगा। अ बॉय इज होल्डिंग 5 किलोग्राम बार्स 83 मीटर अबव द टेबल, फाइंड वर्क डन बाय बॉय। तो मैंने कहा था कि होल्ड में हमेशा वर्क जीरो होता है, ये आपके पास पेपर में भी आ चुका है। A force F is equal to 2i plus 3j plus 5k is applied on body which displaces it from 3, 4, 5 to 5 to 7. Find the work done. बहुत आसान है, सबसे पहले displacement निकालेंगे final position vector से, तो 5 minus 3 ये i बनेगा, 2 minus 4 ये j बनेगा, इस तरीके से 7 माइनस 5 ये k बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 2i माइनस 2j प्लस 3k, और फोर्स आपका कितना है 2i प्लस 3j प्लस 5k, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये माइनस का 6 होगा और ये होगा क्या कहते हैं प्लस का 15, ठीक है। इस तरीके से ये 19 होगा, 19 में से 6 को माइनस करेंगे तो बाकी 13 आएगा, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 13, इसमें 13 का ऑप्शन डाल दें। आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं कोई एरर है तो आप उसको खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 1000 किलोग्राम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, सडनली इट्स इंजन सीज्ड and it came into rest, find the work done by force of friction. अब देखें, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है शुरुआत में इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी पर बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 mv², तो 1/2 और इसका मास कितना था 1000, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे ये होगा 500 और ये होगा 400, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जीरोस आ जाएंगे, यानी 2 × 10⁵ होगा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पास पेपर में भी आया है। अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी एंड कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस एक्स बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। देखें, बॉडी की स्पीड थी वी और आपने उसको रोका है डिस्टेंस एक्स पे बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ। अब बॉडी की वेलोसिटी है 2v, आप उसको कितने डिस्टेंस पे रोकेंगे बाय अप्लाइंग द फोर्स 2f। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के होगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप क्या करें, देखें कॉमन सेंस है, आपने क्या किया है बॉडी की वेलोसिटी को अब डबल कर दिया है। अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे, ठीक है, अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। बॉडी के पास जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, वो थी एफएक्स। बॉडी के पास पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एफएक्स थी। अब आपने बॉडी की वेलोसिटी डबल कर दी, वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 4 times, यानी अब जो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है वो 4 times एफएक्स है, एफएक्स जो उसके पास प्रीवियसली काइनेटिक एनर्जी थी जब उसकी वेलोसिटी वी थी। और अब आप इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2f, और आप पूछ रहे हैं कि इसको कितने डिस्टेंस पे रोका जाएगा, ये आप डिस्टेंस पूछना चाहते हैं, तो f f के साथ कैंसिल हो गया, तो x डैश बराबर होगा 4x / 2 यानी 2x।
तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखें, 50 न्यूटन मैन इज पुशिंग 20 न्यूटन ब्लॉक अपवर्ड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन विच इज 5 मीटर हाई एंड 10 मीटर लॉन्ग। एक इंक्लाइंड प्लेन है जहाँ पे कोई मैन किसी ब्लॉक को पुश कर रहा है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक की जो हाइट है, इस ब्लॉक की हाइट है 5 मीटर और इस ब्लॉक की लेंथ है 10 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होगा वो तो mgh होगा, और mg किसका वेट लेंगे, ब्लॉक का लेंगे जिसको आप पुश कर रहे हैं। तो ब्लॉक का वेट कितना है, 200 है, और आप इसको कितनी हाइट तक पुश कर रहे हैं, हाइट इसकी है 5। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट 1000 जोल वर्क होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा। इसी का दूसरा पार्ट मैंने नीचे दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन बाय मैन टू लिफ्ट द बॉक्स। अब आदमी दो काम करेगा, ठीक है, एक काम करेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट और एक काम करेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कितना होगा, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हुआ था 1000 जोल। अब ये आदमी जो है ये दो फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स को और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। अब हमने अगर आदमी का वर्क फाइंड करना है तो हम दो वर्क फाइंड करेंगे, एक होगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी तो हमने फाइंड कर लिया 1000 है, और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 20 न्यूटन। और आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, इसलिए हम ये डिस्टेंस लेंगे तो 10। तो टोटल हो जाएगा 1000 + 200 मींस 1200 जोल। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी 1000 जोल अगेंस्ट द ग्रेविटी और 200 जोल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टोटल वर्क होगा 1200 न्यूटन नहीं बल्कि जोल। ये ऑप्शन में गलती हो गई, आप इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन है जो आपके पास पेपर्स में आया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं। अच्छा आप देखें, ये 4 ब्लॉक, ये 5 ब्लॉक पड़े हुए हैं किसी टेबल पे, 4 और ये 5, और आप इसको ऐसे अरेंज कर रहे हैं, आप इसको इस तरह से अरेंज कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अब थोड़ी सी बात समझिएगा, ये ब्लॉक तो ऐसे ही पड़ा होगा क्योंकि इसके ऊपर आपको सारे ब्लॉक रखने हैं, तो ब्लॉक फर्स्ट तो ऐसा ही पड़ा होगा। जब आप ये ब्लॉक रखेंगे सेकंड ब्लॉक, तो आपको कितनी हाइट पे जाना पड़ेगा, एच पे। सेकंड ब्लॉक रखने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा एम, यानी mgh प्लस। फिर आप थर्ड ब्लॉक रखेंगे, जब आप थर्ड ब्लॉक रखेंगे तो आप कितनी हाइट ऊपर जाएंगे, 2h। तो वर्क डन कितना होगा, 2 mgh। इस तरीके से जब आप फोर्थ ब्लॉक रखेंगे तो कितनी हाइट होगी, फोर्थ ब्लॉक रखने के लिए हाइट कितनी होगी, 3h। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, 3 mgh। जब आप फिफ्थ ब्लॉक रखेंगे तो अब हाइट कितनी हो जाएगी, अब हाइट हो जाएगी 4h। तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, 4 mgh। तो जब आप इसको जमा करेंगे, 4 और 2 कितने होंगे, 6 6 और 3 9 9 और 1 10, तो 10 mgh वर्क करना पड़ेगा। तो 10 mgh इसका राइट ऑप्शन होगा ई। तो अब आप थोड़ी सी बात समझ लें, पहला जो ब्लॉक, अगर मैं कहूं कि सिर्फ 4 ब्लॉक हैं फिर कितना वर्क करना पड़ेगा, तो पहला होगा फ्री में, इस पे वर्क करने का mgh, इस पे वर्क करने के लिए 2 mgh, इसके लिए 3 mgh। टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा, तो ये होगा 6 mgh। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो हैं 6 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस पे 0, इस पे mgh, 2 mgh, 3 mgh,
4MgH, 5MgH, जमा करें, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 में 3 ऐड करें, 12, 12 में 2 ऐड करें, 14, 14 में 1 ऐड करें, 15, तो इस तरीके से होंगे। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गई होगी कि आप ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, ये भी देख लीजिए, सपोज करो मेरे पास 9 ब्लॉक हैं और अब मैं 9 ब्लॉक को ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे हैं मेरे पास। तो अब मुझे बताओ ये स्टेकिंग करने में कितना वर्क है? तो पहले हम इस ब्लॉक को कंसीडर करेंगे, ये 0 में होगा, ये MgH, ये 2MgH और ये 3MgH, इस तरीके से ये 0 होगा, MgH, 2MgH, 3MgH, और ये ब्लॉक रखने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आपको ये रखने में, तो ये रखने में हमें 4MgH करना पड़ेगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 एच हम क्रॉस करेंगे। अगर आप इन सब को सम करें, ये होगा 6MgH, ये भी होगा 6MgH, ये होगा 4MgH, तो ये 12 होगा, 12 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा, 16MgH वर्क होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।